अंतर महाविद्यालयी महिला कबड्डी प्रतियोगिता में शिवपाल सिंह महाविद्यालय ने लहराया परचम। पहला मैच रायबरेली टीम के बीच हुआ, जिसे शिवपाल सिंह महाविद्यालय ने बड़े अंतर के साथ 51-23 से हराया। दूसरा मैच शिवपाल सिंह महाविद्यालय और जौहरी देवी महिला महाविद्यालय कानपुर के बीच हुआ। इस मैच को भी शिवपाल सिंह महाविद्यालय ने काफ़ी अंतर के साथ जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल का मैच महिला महाविद्यालय केदवई नगर और शिवपाल सिंह महाविद्यालय के बीच हुआ। इस मैच को भी शिवपाल सिंह महाविद्यालय ने एक बड़े अंतर के साथ 39-7 के साथ हराकर अपना विश्वविद्यालय महिला कबड्डी टीम में परचम लहराया। इस परचम लहराने से महाविद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कबड्डी खेल मैदान का भूमि पूजन कर महाविद्यालय प्रबंधक श्री भावी सिंह जी यादव जी ने किया, और पूजन करने के उपरांत सभी महिला खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर माला पहनाकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और महाविद्यालय के प्रबंधक निदेशक श्री सोनू यादव जी ने सभी महिला खिलाड़ियों को, क्रीड़ा प्रभारी अजय बघेल जी को, उनके सहयोगी धर्मेंद्र यादव जी को बधाई दी टीम को विजेता होने पर। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी ने सभी महिला खिलाड़ियों को, प्रबंधक निदेशक जी के सहयोग से सभी महिला खिलाड़ियों को ट्रैक सूट भेंट कर उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रदान किया। मैं संजय कुमार जनवाद, ब्यूरो टाइम्स के साथ।